हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग परसेंटेज के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, इसके हमने सूत्र भी पढ़े, इसके कुछ न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर लिए। आइए, हमारे सामने और न्यूमेरिकल लिखा गया है और आज हम इसकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये चैप्टर हमको आसानी से समझ में आए। चलिए देखते हैं, हमारे सामने है 18 का कितने प्रतिशत 36 है। 18 का कितना प्रतिशत निकालें कि हमको 36 प्राप्त हो जाए। 18 का कितना प्रतिशत 36 है, तो फिर से वही समझते हैं। मानते हैं 18 का x प्रतिशत हमारा 36 है। 18 का मीन्स होता है गुणा। आपने पढ़ा है बोर्ड मास रूल के अंतर्गत 18 का मीन्स होता है 18 का कितने प्रतिशत 36 है। तो हम मानते हैं एक्स प्रतिशत को हम ऐसे लिखते हैं, एक्स बटे 100। जिस तरीके से हम 20% को लिखते हैं 20/100, 80% को लिखते हैं 80/100, 80/100, सेम उसी तरीके से एक्स प्रतिशत को भी लिखेंगे एक्स बटे 100। 18 का एक्स प्रतिशत 36 है, हम मान रहे हैं यही बात। कितने प्रतिशत पूछ रहा है, एक्स प्रतिशत हमने मान लिया कि 18 का एक्स प्रतिशत 36 है। 36 है मीन्स बराबर 36, बस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। SSC एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे भी अगर हम थोड़ा प्रतिशत के बारे में जानते हैं तो हम जानेंगे 18 जो है अपने आप में 100% है। अगर हमारे पास 18 रुपया है तो वही 18 अपने लिए 100% है। अगर हमारे पास 200 रुपया है तो वो 200 रुपया ही अपने आप में 100% है। तो इस तरीके से हमारे पास 18 है तो 18 अपने आप में 100% है। और 18 का कितने प्रतिशत 36 है, मीन्स 18 का 2 गुना है ये 36, तो इसका मतलब 18 का 200% है ये। एक 18 जो है 100% हो गया, अगला 18 फिर से आ गया वो 100% हो गया, मीन्स 36 हमारा 200% के बराबर है। चलिए हम यहाँ से भी मान निकालते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या है कि x की वैल्यू निकालना है, तो ये इधर भाग है, इधर बराबर के इस पार जाके गुणा हो जाएगा, और ये इधर गुणा है बराबर के इस पार आके भाग हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली हम काटना चाहें, जो थोड़ा सा मैथ्स जानते होंगे वो डायरेक्ट काट सकते हैं। तो इसको काटेंगे 18 का 18, इसको एक बार में काटेंगे 18 दूना 36, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से x इक्वल टू ये सब हमारे इधर भाग है, इधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो 2 में आके ये सब गुणा हो जाएगा, 200 हो जाएगा। x इक्वल टू 200 और हम प्रतिशत निकाल रहे हैं क्योंकि ये प्रतिशत है, तो x की वैल्यू हो गई इसके मतलब 200%। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको एकदम से क्लियर हुआ होगा। चलिए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए देखते हैं, आपके सामने लिखा है कि 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। 3 किलोग्राम है ये, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। ये ग्राम है, ये किलोग्राम में दिया है, तो दोनों को हम एक ही में चेंज करेंगे। जैसे अगर ये हमारा ग्राम है तो इसको भी ग्राम में चेंज कर सकते हैं, अगर ये किलोग्राम में है तो इसको भी हम चाहें तो किलोग्राम में बदलें, या फिर दोनों को चाहे ग्राम में बदलें, दोनों को चाहे किलोग्राम में बदलें। तो चलिए, ये हमारा ग्राम में है, इसको भी हम ग्राम में बदल लेते हैं। तो 3 किलोग्राम को हम कहते हैं 3000 ग्राम। आप लोग जानते होंगे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम। तो यहाँ पे हम हल करते हैं, 3000 ग्राम में चेंज हो गया, अभी 3000 ग्राम का एक्स प्रतिशत बराबर 12 ग्राम अपने माना है। यहाँ पे हम और एक पॉइंट और लिखेंगे, माना 3000 ग्राम का एक्स प्रतिशत बराबर 12 ग्राम। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 3000 का एक्स प्रतिशत बराबर 12 ग्राम। तो यहाँ से हम इसको, ये ऊपर है ये नीचे है, मीन्स ये ऊपर है ये नीचे है, तो इस तरीके से हमारा 2 0 से 2 0 कट भी जाएगा। तो यहाँ पर 30x बराबर यहाँ 12, तो एक्स इक्वल टू 12 यहाँ है बटे 30 यहाँ आ गया, 30 से गुणा था या भाग हो गया, 12 यहाँ पे था पहले से ही, तो इसको हम छोटा कर लेंगे।
तो छोटा कर सकते हैं हम, चाहे इसको 5 से काट लेंगे, नहीं 5 से कटेगा नहीं, तो इसको 2 से काटेंगे तो हमारा 6/15 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे मीन्स 6 से काट लेते हैं, 6 × 12 6×5 = 30। या फिर इसको अगर हमारे विकल्प में इतना ही दिया है तो ही हमारा आंसर होगा 2/5%। अगर ऐसा नहीं दिया है तो दशमलव में निकाल लेंगे, इसको भाग देंगे, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ जाएगा या माइनस यहाँ पर 20 हो जाएगा। फिर 5 × 5 = 20, 0.4%, 0.4% यही हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा, इसके पहले जो न्यूमेरिकल हमने बताया था बिल्कुल वैसा ही है। चलिए हम अगला देखते हैं। देखिए SSC एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल, 4:5 मीन्स 4:5 बराबर, क्वेश्चन मार्क दिया है, प्रतिशत दिया है, मीन्स 4:5 बराबर कितना प्रतिशत, या फिर इसे कहेंगे 4/5 कितने प्रतिशत है, या ऐसे कह सकते हैं कि 4 जो है 5 का, 4/5 का कितने प्रतिशत है। तो 4/5 का कितने प्रतिशत है मीन्स अगर 5 अंक हमको मिलना था, 5 अंक से हमको 4 अंक ही मिला, तो हमको कितना प्रतिशत मिला। तो इस तरीके से हम जानते हैं प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, डायरेक्ट हम 100 से गुणा करते हैं हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। 5 से काटेंगे इसको, 5 × 2 = 10, 1 0 आ जाएगा, और इस तरीके से 20 × 80%, 20 × 80%, यही हमारा आंसर हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं ऐसे सवालों में, इसीलिए अनुपात भी दे दिया है, प्रतिशत भी पूछ लिया है, तो इसीलिए इसको पूछा गया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट बन गया है ये न्यूमेरिकल, है एकदम इजी, वही नॉर्मल वही चीज़ है। चलिए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए देखते हैं, बैंक परीक्षा में पूछा गया हमारा न्यूमेरिकल है ये, बैंक PO 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन मार्क सबसे पहले दे दिया है, क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर 182, तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमको बताना है कि कौन सी वह संख्या है जिसका 52% 182 के बराबर होता है। तो मानते हैं यक्स वह संख्या है, वाई संख्या है, जेड संख्या है, कुछ भी मान लेंगे कि जेड का 52% बराबर 182। चलिए यहाँ पर लगाते हैं, हम सॉल्व करते हैं, जेड का कम में सब लोग जानते हैं गुणा होता है, जेड का 52%, 52% मीन्स 52/100 बराबर 182। बस हमको यही जेड की वैल्यू निकालनी है, या क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जेड इक्वल टू 100, यहाँ पे भाग है 100, इधर आके गुणा हो जाएगा, इधर गुणा ये इधर आके भाग हो जाएगा, मीन्स 182 × 100/52। तो बस वही हमारे जेड की वैल्यू निकल जाएगी, वही हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकलेगी। तो चलो इसको हम छोटा करते हैं, इसको हम 2 से काट देते हैं, तो 2 से काटेंगे तो ये हमारा 50 हो जाएगा, ये हमारा 26 हो जाएगा। तो अगर हमको 26 का टेबल याद है तो 26 से डायरेक्ट इसको हम काट लें, 26 का नहीं याद है तो 13 से काट सकते हैं। तो चलो 13 से काटते हैं, हमको तो 26 का टेबल नहीं याद है तो हम 13 से काटेंगे, तो 13 × 26 और 13 × 13 यहाँ पे 5 बच गया, 52 हो गया, 13 × 52। इस तरीके से ये हमारा 14 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, इसको और काट लो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7। बस 7 × 5 यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 7 है, 7 × 5 = 35, क्योंकि आपस में गुणा है। तो इस तरीके से हमारा निकल गया इसका गुणनफल 7 × 5 = 35, 350, यही हमारा आंसर हो गया, तो हम दोस्तों एकदम बेसिक से छोटे सवालों से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हम आपको हाई से हाई लेवल तक लेके जाएंगे, मगर ये मत सोचिए कि ये सवाल बहुत छोटे हैं, ये अच्छे सवाल हैं, एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, बैंक PO में पूछा गया सवाल है, जिसमें 5 विकल्प आपको दिया जाता है।
ऐसे सवालों में भी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में गलत करके चले जाते हैं जल्दबाजी में, या फिर ना आने की वजह से, या फिर कम प्रैक्टिस की वजह से। इसलिए हम आपको हर तरीके से हर तरह के सवाल का प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए देखते हैं, हमारे सामने अगला न्यूमेरिकल लिखा है 540 का 75% का 540 का 75% का एक सहित 2/5 का 2/3 बराबर कितना है, इसको बताना है। ये हमको वैसे तो सरलीकरण जिसे सिंप्लीफिकेशन कहते हैं उसके अंतर्गत भी ये सवाल मिल सकता है, और ये प्रतिशत का मान दिया है तो परसेंटेज के अंतर्गत भी हम इसको पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कुछ करना नहीं, बस जैसे दिया हम वैसे करते चले जाएंगे, और जो हमारा ऊपर नीचे का जो भी हमारा भाग या गुणा से सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर देंगे, काट देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो का मीन्स होता है गुणा, 75% मीन्स 75/100, 75% मीन्स 75/100 का मीन्स होता है गुणा, 5×5=7। इसे मिश्र भिन्न कहते हैं, इसको भिन्न कहते हैं, अगर ये एक ना होता तो इसको भिन्न कहेंगे 2/5 को, एक सही 2/5 है तो इसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। तो चलिए मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलेंगे कैसे, 5×5 इसको गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं, 5×5=7, इस तरीके से ये 7/5 का 2/3। चलिए इसको अगले स्टेप में हम और हल करने की कोशिश करते हैं, एक स्टेप में इतना होगा, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 540 × 3/4 करेंगे, 25 से काटेंगे, 25×3=75, 25×4=100 × 7/5 × 2/3। तो इस तरीके से हम देखते हैं, 3 से 3 हमारा कट गया, ऊपर है ये नीचे है, ऊपर नीचे है, इसलिए दोनों हमारे कट गए। तो 2 से यहाँ कट गया 2 आ गया, मीन्स 5×2=10 हो गया, अभी 5×2=10 हो गया, 10 जब ये 10 हो गया तो 1 0 यहाँ से कट गया। तो हम देख रहे हैं ये हमारा नीचे का पूरा कट गया, ऊपर हमारा सिर्फ 7 बचा है, ये 54 बचा है, तो बस 7×28=8 हासिल हो गया 2, और 7×35=37, तो 378 ही हमारा आंसर हो गया। पर इसमें कुछ करना नहीं था, जो भी हमको जैसे भी दिया था का मीन्स गुणा प्रतिशत का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो प्रतिशत को हम लोग जान ही रहे हैं, 75% को कैसे लिखेंगे बस, और इसको सॉल्व करके हमने हल कर लिया, आंसर हमारा निकल गया। साथियों आइए देखते हैं, हमारे सामने न्यूमेरिकल लिखा है 160 का क्वेश्चन मार्क, अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, 160 का अंडर रूट कितना प्रतिशत, 160 का अंडर रूट कितना प्रतिशत बराबर 64/2। तो इस तरीके से हमको समझ में आता है 64/2 मीन्स होता है 64 का आधा, या 64 को 2 से भाग करने पर हमारा आ जाएगा 32। चलिए हम देखते हैं 160 का एक्स प्रतिशत मान लेते हैं, अंडर रूट कितना प्रतिशत मान मीन्स एक्स प्रतिशत मान लेते हैं, तो एक्स प्रतिशत लिखेंगे 1/100 बराबर 32, ये हमारा हो गया 32। तब यहाँ से अंडर रूट एक्स इक्वल टू 32 हमारा इधर पहले से है, 100 इधर भाग में ही आके गुणा हो गया, और 160 हमारा इधर आके भाग में हो गया, या डायरेक्ट हम इधर से भी काटना चाहें तो हम काट सकते हैं। तो हमने सबको एक तरफ करके आराम से काटेंगे हम, तो यहाँ से देखते हैं 0 से 0 कट गया, 16 का 16, 16×2=32, तो नीचे हमारा पूरा कट गया, ऊपर हमारा बच गया 10×2=20, तो हमको मिल गया अंडर रूट एक्स इक्वल टू 20। तो हमको एक्स की वैल्यू बतानी है, तो एक्स इक्वल टू कितना प्रतिशत, तो अंडर रूट एक्स मतलब इसकी वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से हमको मिलेगा एक्स इक्वल टू 400, एक्स इक्वल टू 400, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमको मान करने का नहीं बताना, हमको मान इसका बताना है, इसका एक्स का, तो इस तरीके से एक्स हमारा हो जाएगा
400। चलिए हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। साथियों, हम अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट किए, एकदम छोटे न्यूमेरिकल से स्टार्ट किए हैं और हम बढ़ते चले जा रहे हैं हाई लेवल की तरफ। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि हाँ, लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप लोग जब हम न्यूमेरिकल लिखते हैं तो आप लोग उसको खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, तब आपको समझ में आएगा हाँ, लेवल कैसा है न्यूमेरिकल्स का। आपको खुद लगेगा कि हाँ, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बताए जा रहे हैं। साथियों, इस चैप्टर में हमारे पास जो बुक है इस चैप्टर की, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल कम से कम 300-400 न्यूमेरिकल दिए गए हैं। पूरे न्यूमेरिकल को तो हम सॉल्व नहीं करा सकते, इसलिए हम ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे हैं जो कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आइए देखते हैं। बयालीस चालीस का 3/5 का 75% का 25%, 25% बराबर कितना है? बैंक पीयू परीक्षा में पूछा गया है, बैंक पीयू परीक्षा 2006 में। तो बस इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, का मीन्स आप लोग जानते हैं, लिखेंगे 4240 गुणे 3/5 गुणे 75/100, या फिर इसको हम डायरेक्ट अगर हम अगले स्टेप में लिखेंगे, उससे पहले ही हम इसको हम 3/4 हम लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 25 तीन 75 होता है, 25 चौक 100 होता है। और यहाँ 25 बटे 100 लिखेंगे, फिर 25 चौक 100, तो 1/4 इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, जो हमारा कटने का हो काट लें, जो हमारा न कटे उसको हम आगे हम गुणा कर लें। तो 5 से इसको हम काट के छोटा करने की कोशिश करते हैं। 5 8 40, 2 बज गया, 24 हो गया, 5 4 20, 4 बज गया 40, 5 8 40, ये हमारा कट गया। अब इसको 4 से काटते हैं, इस 4 से काटेंगे, 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8, और इस 4 से इसको काटने की कोशिश करते हैं, तो हमारा हो गया 4 5 20, 1 बज गया, और 4 3 12, 53 आ गया इधर, और 3 × 3 × 53 वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलो हम करते हैं, 53 × 3 × 3, तो 3 3 9, 53 × 9, तो 9 3 27 का 7 हासिल हो गया, 2 9 3 27 का 7 9, और 9 9 5 45 477, ये हमारा आंसर हो गया, आइए देखते हैं विकल्प में क्या क्या दिया है, 595, 424, 477 और 348, तो और इनमें से कोई नहीं। तो हम देख रहे हैं कि 477 हमारा सही आंसर हो गया। चलिए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दिया है 0.05 बराबर है %, मीन्स कितना प्रतिशत है, 0.05 हमारा कितना प्रतिशत है। तो मान लेते हैं x प्रतिशत है, x ग्रुप में अगर इसको सॉल्व करना चाहें तब, डायरेक्ट हम इसको भिन्न के रूप में सॉल्व करके करना चाहें तब भी कर सकते हैं। इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे, लिखेंगे 5/100, भिन्न के रूप में बदल करने करेंगे तब, मीन्स 2 अंक बाद इधर दिए, 0.05 हमारा 2 अंक के बाद चला जाएगा, तो 2 0 नीचे बढ़ जाएगा, 5/100, तो 5/100 मीन्स ये 5% हो गया ना, बराबर 5%, ये हमारा
आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। या फिर इसको दूसरे तरीके से अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो 0.05 बराबर x प्रतिशत मान लेते हैं, इसको x प्रतिशत मानेंगे, x प्रतिशत तो x बराबर कितना निकलेगा, ये भाग इधर जाके गुणा हो जाएगा, हमारा दूसरा मेथड है दूसरा, तो ये जाके इधर गुणा हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, तभी हमारा 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू तब भी यहाँ पे 5 आ जाएगी, तो x मीन्स होता है 5%, इसमें से हमारा निकल रहा है। एग्जाम में पूछा गया है, इतना छोटा सा न्यूमेरिकल है, देखिए आप लोग खुद समझ लीजिए, लेकिन कंफ्यूज कैसे करेगा एग्जाम में आपको, वो आप लोग खुद समझ सकते हैं, इसीलिए एग्जाम में पूछा गया है। चलिए हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल, भिन्न वाला भी दिया है, भिन्न के अंश में वृद्धि करेंगे, हर में वृद्धि करेंगे, घटाएंगे, ऐसा करके भी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल, आइए हम भिन्न टाइप के सवाल देखते हैं। आपके सामने लिखा है कि एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें, अंश में, तथा हर दोगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न मान लेते हैं हम x बटे वाई था, तो इसको 25% वृद्धि कर दिया अंश में, तो ये इसका मतलब ये 125/100 हो गया, ये तो अपने आप में 100% है ही, जब 25% की वृद्धि कर देगा तो 125/100 x का 125%, और ये दोगुना कर दिया गया तो 2y हो गया, इसमें ऐसा किया गया कंडीशन के हिसाब से, पहले मूल भिन्न हमारा 1/y था, फिर अगले स्टेप में इसको बढ़ा दिया गया 25% और इसको दोगुना कर दिया गया, तो इसकी वैल्यू 5/9 हो गई, इसकी वैल्यू 5/9 हो गई। तो यहाँ से x और y की मान निकालना है, वही मूल भिन्न हमारा है, मूल भिन्न हमने x बटे वाई माना है, तो बस यहाँ से हम इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको छोटा कर लेते हैं, 25 पंचे 125, 25 6 100, तो यहाँ से देखते हैं इतना 1/1 है, आप लोग जानते होंगे भाग का रूल, जो ये हमारा पलट जाता है भाग में और जाके आपस में गुणा हो जाता है, जैसे 3/5 भागे 2/6 है अगर, तो इसको हम लिखेंगे 3/5 गुणे 2/6 हमारा इसमें भाग है, ये गुणा होने के बाद पलट जाएगा, 6/2 हो जाएगा, ये हमारा भाग है, गुणा होगा तो ये हमारा 6 ऊपर चला जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम कंडीशन में यहाँ भी हम इसको हल करेंगे, पाँच बटे चार गुड़े, ये हमारा 2 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 1 हमारा ऊपर चला जाएगा, 2 हमारा नीचे आ जाएगा, तो 1/2 x बटे वाई तो यहीं रह जाएगा, तो ये x है, ये y है, इक्वल टू 5/9 इक्वल टू 5/9। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये हमारा दोगुना हो गया, ये हमारा ऊपर चला गया, ये हमारा ऊपर चला गया, ये हमारा नीचे आ गया, ठीक है। x/y इक्वल टू ये हमारा नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, मीन्स 5/9 गुड़े 8/5
एट बाई फाइव मीन्स ये एट हो जाएगा, ये नीचे हर में हटी ऊपर चला जाएगा बराबर के इस पार चला जाएगा तो, और ये ऊपर गुड़े में हटी भाग में आ जाएगा, ये हमारा भाग में आ गया। तो इस तरीके से पाँच पाँच कट गया और हमको वैल्यू मिल गई एट बाई नाइन, एट बाई नाइन इक्वल टू एक्स बाई वाई। ये हमारा मूल भिन्न हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको एकदम से अच्छी समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ये भिन्न के सवाल जो कि परसेंटेज के अंतर्गत आते हैं ऐसे आते हैं, अभी इसमें अनुपात वाले भी ऐसे आते हैं बाद में, अभी इसके अंतर्गत हमको मिलेंगे तो हम उसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो अनुपात समानुपात जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें हम इसमें अनुपात में बढ़ाए जाते हैं, जिससे इसमें दोगुना बढ़ाया गया, ये भी एक प्रकार का अनुपात ही है। तो ऐसे सवालों को हम सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।